वेलकम बैक। तो ये है हमारे पास Redmi 13C 5G। आज की वीडियो में इसका गेमिंग टेस्ट करेंगे। इस फोन में आपको MediaTek Dimensity 6100 प्लस का 5G प्रोसेसर मिलता है। अंतुदु की बात करें तो 4 लाख के आसपास आपको इसके अंतुदु के स्कोर देखने को मिल जाएंगे। 5000mAh की बैटरी है और 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को ये फोन सपोर्ट करता है। मैंने फोन को पूरा फुल चार्ज किया था, लेकिन सेटअप करते करते 75% बैटरी हो चुकी है। आज की वीडियो में इसका BGMI का टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि गेमिंग के अंदर ये फोन कैसे परफॉर्म करता है, कितने FPS पर आप लोग गेम प्ले कर सकते हो, परफॉर्मेंस कैसी मिलेगी, फ्रेम ड्रॉप कितने हैं और पूरे गेमिंग टेस्ट के अंदर फोन कितना हीट करता है, ये सब आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, बट आपका एक काम अभी तक रह गया, अगर आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्राफिक्स की बात करें तो चलते हैं सेटिंग्स के अंदर, ग्राफिक्स एंड ऑडियो। यहां पर आपको जो ग्राफिक्स है स्मूथ के ऊपर अल्ट्रा, यानी कि 40 FPS गेम प्ले आप लोग कर सकते हो, बैलेंस के ऊपर भी अल्ट्रा और HD हाई आपको इसके हाई ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। देखो ये बजट का फोन है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग स्मूथ के ऊपर अल्ट्रा में जो ग्राफिक्स है उनको रख करके गेम प्ले करो। तो चलो सबसे पहले यहां पर एक TDM का मैच प्ले करते हैं और देखते हैं परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिलती है। गेम प्ले यहां पर स्टार्ट हो गया। गेम स्टार्ट होते ही फोन के टेंपरेचर की बात करें तो फोन का टेंपरेचर आपको 27 डिग्री के आसपास मिलता है और बैटरी की बात करें तो फोन की जो बैटरी है वो आप लोगों को 73% देखने को मिलती है। बाकी अब देखते हैं कि एक TDM का मैच प्ले करने के बाद कितना बैटरी एनिंग होता है और परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिलती है। बाकी इस फोन में आपको जायरोस्कोप सेंसर देखने को नहीं मिलता, तो अगर आप लोग BGMI जायरो में खेलते हो तो आप लोग वो इस फोन में नहीं खेल सकते। बाकी अब आप लोग गेम प्ले को एंजॉय करो। फाइनली दोस्तों एक TDM का मैच कंप्लीट कर लिया और सबसे पहले बैटरी की बात करें तो एक TDM का मैच कंप्लीट करने के बाद फोन में 72% बैटरी जो है बची है। 73% के ऊपर हमने गेम को स्टार्ट किया था तो 1% का बैटरी एनिंग हुआ है। इतना ज़्यादा बैटरी ड्रेनिंग जो है वो आपको देखने को नहीं मिली। अब टेम्परेचर की बात करें कि 5 मिनट गेम प्ले करने का फोन का जो टेम्परेचर है वो आपको 29 डिग्री, यानी कि 2% यहाँ पर भी इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर। बाकी परफॉर्मेंस जो है वो आप लोगों को डिसेंट मिलेगी, बजट के हिसाब से जो परफॉर्मेंस है अच्छी है, लेकिन थोड़ा जो लैग है वो आपको देखने को मिलेगा, उतनी स्मूथनेस जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को नहीं मिलती। बाकी हम आगे गेम प्ले करेंगे, उसको भी आप लोग चेक कर लो और एंजॉय करो। भाई लैग आपके सामने, गेम जो है वो क्रैश कर गया चलता चलता। फिर से गेम को स्टार्ट कर रहा हूं, भाई आपके सामने है, गेम एकदम से क्रैश कर गया, पता नहीं कैसे। अब दोस्तों गेम प्ले करते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और 15 मिनट गेम प्ले करने के बाद बैटरी की बात करें तो फोन में जो बैटरी है वो 70% बची है, यानी कि हमें 2% का बैटरी रेनिंग जो है वो 15 मिनट गेम प्ले करने के बाद देखने को मिल गया। बाकी टेम्परेचर की बात करें, 15 मिनट गेम प्ले करने का फोन कितना हीट हुआ, तो फोन का टेम्परेचर आपको 30 डिग्री देखने को मिलता है। बाकी अब आप लोग गेम प्ले को एंजॉय करो और 15 मिनट गेम प्ले करने के बाद जो परफॉर्मेंस है वो सेम पहले की जैसी है, कोई इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को नहीं मिली और फोन जो वो इतना अभी तक हीट भी नहीं किया है। फाइनली दोस्तों गेम प्ले करते हुए 30 मिनट हो चुके हैं और 30 मिनट गेम प्ले करने के बाद बैटरी की बात करें तो फोन में 67% बैटरी जो बची है और टेम्परेचर की बात करें
तो फोन का टेम्परेचर आपको 29 डिग्री यानी कि 30 डिग्री के आसपास देखने को मिलता है आधा घंटा गेम प्ले करने के बाद। बाकी परफॉर्मेंस भाई आप लोगों को डिसेंट बजट के हिसाब से मिलती है, लेकिन जो टच रिस्पॉन्स है वो इतना बढ़िया आपको देखने को नहीं मिलता, स्मूथनेस जो वो गेम है आपको इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। फाइनली दोस्तों गेम प्ले करते हुए 40 मिनट हो चुके हैं और 40 मिनट गेम प्ले करने के बाद बैटरी की बात करें तो फोन में जो बैटरी है वो 66% बची है। 73% के ऊपर हमने गेम को स्टार्ट किया था, 40 मिनट गेम प्ले करने के बाद 66% बैटरी फोन में है। टेम्परेचर की बात करें कि 40 मिनट गेम प्ले करने के बाद फोन का टेम्परेचर, तो फोन का टेम्परेचर वही आप लोगों को 29.7 30 डिग्री के आसपास देखने को मिलता है, फोन इतना ज्यादा हीट नहीं किया। बाकी अब एक घंटा गेम प्ले करता हूं और उसके बाद देखते हैं परफॉर्मेंस कैसी मिलती है, बैटरी कितनी ड्रेन होती है, फ्रेम ड्रॉप है कि नहीं है, वो सब आपको एक घंटा गेम प्ले करने के बाद बताता हूं। फाइनली दोस्तों गेम प्ले करते हुए 1 घंटा 1 मिनट हो चुका है और 1 घंटा गेम प्ले करने के बाद बैटरी की बात करें तो 61% बैटरी जो है वो आपको देखने को मिलती है। अगर आपने इस फोन को ले लिया तो भाई बैटरी ड्रेनिंग की कोई प्रॉब्लम आपको गेमिंग में देखने को नहीं मिलेगी। 73% के ऊपर हम लोगों ने गेम प्ले को स्टार्ट किया था और 1 घंटा गेम प्ले किया, अभी भी आपको 61% बैटरी जो है वो इस फोन में बची हुई है। बाकी टेम्परेचर की बात करें तो 1 घंटा फोन में गेम प्ले करने के बाद 30 डिग्री का टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है, तो फोन इतना ज्यादा हीट भी नहीं किया। बाकी ये था Redmi 13C 5G का गेमिंग रिव्यू, गेमिंग टेस्ट। इस फोन को मैंने पहले अच्छे से यूज किया है, उसी के बाद इस फोन का जो गेमिंग टेस्ट है वो कर रहा हूं। अच्छे से मैंने गेम प्ले को खेला और जितना भी गेम प्ले है वो मैंने वाईफाई नेटवर्क के ऊपर किया ताकि आपको कोई पिंग का जो इशू है वो देखने को ना मिले। अच्छी परफॉर्मेंस बजट के हिसाब से आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगी। आप लोग इस फोन को ले रहे हो या लेने की सोच रहे हो और आपका बजट भाई 10 से 12000 के बीच में है, तो 10 से 12000 के अंदर आपको ये एक बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल करके दे देगा और नॉर्मल गेम प्ले भी आप लोग इस फोन में कर सकते हो। बाकी इतना इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।